रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टार ऑफ फिल्म 83 अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वेल, आपको बता दे, इस फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। रिसेंटली फिल्म मेकर कबीर खान और बोमन ईरानी एक फन इंस्टाग्राम लाइव चैट कर रहे थे, जिसमें कबीर खान ने बताया कि कैसे आइकॉनिक वर्ल्ड कप मोमेंट को शूट करते वक्त वहां वेस्ट इंडीज के कैप्टन क्लाइव लॉयड भी मौजूद थे। कबीर सेड ही आस्क्ड लीव टू कम अ बिट क्लोजर टू विटनेस द सीन बेटर, बट द क्रिकेटर हैड अ ह्यूमरस रिप्लाई रेडी फॉर हिम। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, यू वॉन्ट मी टू सी दैट कप गोइंग अवे फॉर द सेकेंड टाइम एंड दैट टू फ्रॉम नियर। वेल, ये मोमेंट सभी के लिए बहुत स्पेशल रहा होगा और इसी वजह से आज भी कई क्रिकेटर्स इस मोमेंट को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। बता दें कि ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस पैंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। आप हमें बताएं कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। जाते जाते डालिए एक नज़र आखिर रणवीर का इस फिल्म को लेकर क्या कहना है जब वो निकले थे US से इस फिल्म को शूट के लिए। भारत ने जिस तरह वर्ल्ड कप जीता है उसने पिछले 6-8 महीनों में बहुत आगे किया है। प्रेप प्रोसेस बहुत ही इंटेंसिव रहा है। बॉयज हैव वर्क वेरी हार्ड टू कम टू दिस स्टेज, फाइनली रेडी टू कमेंस प्रिंसिपल शूटिंग ऑफ द फिल्म। टुडे वी आर ऑन टुडे फोर मंथ्स I have to say all credit to Kabir sir and his team. The film is shaped up extremely well. We're very very happy with the way it's shaped up. But now it's game time. Game to ab shuru ho rahi hai. UK ja rahe hain, shoot shuru ho rahi hai. Aur main extremely excited, supercharged, very happy, very proud, honored and privileged to be a part of such an extraordinary and significant story. And we're hoping to put our best foot forward and create a piece of cinema that we'll all be proud of. The former players who have achieved this legendary feat can be proud of, and hopefully that'll inspire a new generation and hopefully a remarkable piece of cinema that the entire nation can be proud of. अभी इंडिया की टीम खेलने के लिए वर्ल्ड कप सर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की टीम भी गई खेलने के लिए, किस तरह करेंगे? I think Team India stands a very good chance. The boys have been in excellent form of late. I hope they can continue their form into the World Cup. And wishing Team India all the very best. I think our chances are good. There are some other teams that are very, very strong. But I believe in the boys in blue. And I'm feeling very positive about our chances in this World Cup. And hoping to see some stellar performances from the boys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.